ये यूनिवर्सिटी या मदरसे का बाहर का हिस्सा है, बहुत बड़ा है। और अभी ये कुछ स्टूडेंट्स की छुट्टी हुई है तो जिसकी वजह से बाहर निकले हुए। और ये जो यूनिवर्सिटी है और ये जो ये जगह है, ये 100 साल पुरानी, मतलब 115-120 के करीब कुछ इसके साल हो गए। वो जो बिल्डिंग सामने है उसकी एज है 100 साल के आसपास है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि अगला वीडियो मेरा फैमिली ट्रिप होने वाली है, तो अभी वो ट्रिप स्टार्ट हो गई है। 4:30 बजे हम लोग निकल गए थे, अंधेरा था जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना पाया। उसके बाद एक रिलेटिव के होटल में हम लोग ने फजर की नमाज़ पढ़ी और वहाँ से निकले, और अभी कुछ उजाला हुआ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा हमको फॉग मिला जिसकी वजह से ड्राइव करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो इरशाद भाई चला रहे और उनके बाजू में उनके वालिद साहब बैठे हैं, सेकेंड रो में मेरी वालिदा है और उनके बाजू में मेरी सिस्टर है और उनके बाजू में इरशाद भाई की वालिदा है, और लास्ट रो में मैं बैठा हूँ और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है उमेर। हम लोग निकल गए हैं और ये हमारा सेकेंड स्टॉप है। बहुत बढ़िया जगह है, देखिए। आधा रास्ता हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे अभी हम रुके हैं। इरशाद भाई के नानी का घर है ये, और चाय नाश्ता वहाँ पे होएगा, उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू होएगा। तो अभी फॉग बहुत ज़्यादा है, धुम्मस रास्ते में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमको रास्ते में 2 जगह पे एक्सीडेंट मिला। तो वहाँ पे सब लाइट लेकर खड़े थे, तो अगर वो पुलिस वाले वहाँ पर अगर नहीं होते तो उसके पीछे पीछे और भी गाड़ियाँ घुस सकती थी, लेकिन वहाँ पे फौरी तौर पर वहाँ पर सिक्योरिटी आ गई और वो लाइट लेके दूर से, ऐसी उनके हाथ में लाइट होती है जो दूर से गाड़ियों को दिख जाती है, अगर वो लाइट लेके नहीं खड़े होते तो बहुत सारी गाड़ियाँ और भी घुस जाती थी उसके पीछे। तो देखो कैसा है ये, बहुत दिन के बाद मुंबई से बाहर निकले और एकदम खुली और फ्रेश हवा ले के बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे आके। ये इरशाद भाई के नानी का घर है जो बन रहा है यार, और हम लोग आए हैं ये गाड़ी लेके, क्रिस्टा। ये घर किसका है इरशाद भाई? थोड़ी यार इरशाद भाई बताए कि किसका घर है, बताओ ये घर। ये भाई ये मेरा नाना का घर है। हाँ, मतलब ये पूरा हमारे खानदान का है, मेरे मामू और खाला। अच्छा, ये सब मिल के पूरा जो है हाईवे के इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये दोनों हम लोग का काफी पहले से, मतलब मेरे अम्मी के जो दादा थे। अच्छा, उनके मतलब वो ब्रिटिश के टाइम से ही ये जगह हम लोगों की है। अच्छा अच्छा, ये पूरा एरिया आपका है ऐसा? तो नाना तो एक्चुअली वो सांता क्रूज में रहते थे, लेकिन उन्होंने फिर ये बनाए। अच्छा, फिर वो जब ज्यादा ज़ईफ हो गए तो इधर आ गए, अभी तो इंतकाल हो गया। फिर वो एक मामू का है, एक मामू का ये है। अच्छा, ये अभी बन रहा है? हाँ, फिर वो आगे जो बिल्डिंग है वो भी हमारे मामू ने ही बनाई है, तो उसमें ज्यादातर हमारे रिश्तेदार लोगों ने फ्लैट खरीदे, जिसमें से हमारा जो फ्लैट है वो सेकंड फ्लोर पे। अच्छा, वहाँ पे फ्लैट भी है। हाँ, तो जो मेरे मम्मी के भाई बहनों का जो जमीनों का जो बंटवारा हुआ ना, अच्छा, तो उसमें मेरे अम्मी के खाते में जो जमीन आई है वो बंगले से लेके यहाँ तक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूरा ये मेरे अम्मी की जमीन है। मतलब और 2-3 जगह आ सकती है। तो ये एरिया है भिलाड़ का, अभी गुजरात बॉर्डर पास करके भिलाड़ एरिया, अभी आगे कहाँ जाने वाले हैं तो आगे देखने के लिए वीडियो देखते रहो। आगे जो लोकेशन है वो तो बहुत मस्त लोकेशन है, क्या बोलते हैं इरशाद भाई? 29 और 30 जनवरी को मेरे मामू के लड़के की शादी है, तो जगुआर इधर ही बुक है। अच्छा, इधर ही जगुआर ये घर में। अच्छा अच्छा, 30 जनवरी आएंगे उस वक्त भी। चलो आगे फिर अभी मिलते हैं, अगला लोकेशन जो हमारा है जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जाके वीडियो बनाएंगे। वाले रूट से कहीं आना या जाना हुआ है ना, तो यहाँ पे सिलवासा में हाईवे से कुछ 2-3 किलोमीटर अंदर है, यहाँ पर डीजल भरवाओ तो अपने को 87 में डीजल मिल जाएगा। मुंबई में कितना है? 94 7 रुपीज़ का फ़र्क पड़ता है इधर, तो पर लीटर 7 रुपीज़ अभी इसमें जाएगा, समझो 40 लीटर के आसपास जाएगा, पूरा टैंक खाली है मेरे ख्याल से। तो 40 × 7 280-300 के करीब कुछ आपको ये फ़ायदा हो जाता है। तो अभी हम लोग निकल गए, डीजल का टैंक फुल करवा लिया है, और अभी हमारा कुछ हुआ है 245 किलोमीटर
कंप्लीट हो गया है, अभी और कुछ 200 अराउंड किलोमीटर बाकी है। वहाँ पहुँच के मैं वीडियो बनाऊँगा आगे का। तो फॉग में तो इरशाद भाई चला रहे थे, मेरे को फॉग में परेशानी होती है, वो तो भगा रहे थे, मैं भी भगा रहा हूँ। कितना भगा रहे थे, 130-140 तो चल ही रही है नॉर्मल। तो ये क्रिस्टा ये टोयोटा तो नॉर्मल चलती है 140-160। तो अभी हम लोग जहाँ आने वाले थे लोकेशन वहाँ पे पहुँच गए। आप देखो कितनी मस्त जगह है ये। ये है मेरा, ये वो है, वो ये वो जगह है जहाँ मैंने अपनी स्टडी किया हूँ, मैं अब जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया हूँ। 9 साल तक मैंने यहाँ पे पढ़ा हूँ। और इसका कुछ मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। ये दो गार्डन है, ये दोनों गार्डन है। यहाँ पे भी गार्डन हुआ करता था, लेकिन और यहाँ पे गार्डन नहीं था, ये मैदान था। यहाँ पे वॉलीबॉल और फुटबॉल वगैरह हम खेलते थे, लेकिन अभी इसको भी गार्डन में चेंज करने वाले। तो और ये जो है टूटा हुआ है, ये रूम है जहाँ स्टूडेंट लोग रहते हैं, तो ये रूम में रहते हैं। और सामने जो है बड़ी सी मस्जिद है, ये नई बनी मस्जिद, हम लोग जब थे उसी वक्त बनी थी। उसके बाद ये है कारी का क्लास है, किरात का, कुरान मजीद को सही कैसे पढ़ा जाता है वो सीखने के, वो कुरान मजीद को कैसे सही पढ़े वो सीखने का क्लास वो है। ये हिफ्ज़ क्लास है, कुरान मजीद ज़ुबानी याद करने का, मतलब वहाँ पर कुरान मजीद ज़ुबानी याद की जाती है। ये आलिम क्लास है, ये गोल है उसको छोड़ के उसके बीजे पीछे, मैं दूर से आपको क्लीन बताता हूँ। हाँ, ये आलिम क्लास है। यहाँ पर 7 साल यहाँ पे, 9 साल यहाँ पे मैंने वही क्लास में, पूरा आलिम क्लास है वहाँ पर ही मैंने निकाले। और ये है ऑफिस, ये पूरा जो यूनिवर्सिटीज़ कहो या इसको एक स्कूल कहो या मदरसा कहो, वो ये ऑफिस है जहाँ पर प्रिंसिपल या मोहतमिन साहब बैठे हैं। और ये भी बिल्डिंग है, ये छोटे बच्चों की है और ये बड़े बच्चों की है, तो इसको अभी रिपेयर कर रहे हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है और ये जो ये जगह है, ये 100 साल पुरानी, मतलब 115-120 के करीब कुछ इसके साल हो गए। वो जो बिल्डिंग सामने है उसकी एज है 100 साल के आसपास है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है वो। वो फिर वो सामने ग्रीन कलर का जो है ये बंगलो है, वो भी बहुत पुराना है। देख सकते हो ये जगह कैसी है। तो यहाँ पर ही मैं अपनी फैमिली को लेके आया हूँ, यहाँ पर हमारे जो टीचर है, हमारे उस्ताद हैं, उन लोग से मिलाने के लिए। और यहाँ पे एक मेरे रिश्ते में एक उस्ताद लगते हैं, वो भी यहाँ पर ही पढ़ाते हैं। इस जगह का नाम है डाबेल, जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाबेल। तो ये मदरसा ये नाम से फेमस है, डाबेल के नाम से फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, 2nd नंबर पे इसका वैल्यू है। और अभी हम लोग जाने वाले 2nd मदरसे में जो अंकलेश्वर में, तो वहाँ पर जाके मैं वीडियो बनाऊँगा। तो देखते वो डाबेल से निकल के हम लोग अंकलेश्वर आए हुए हैं। और ये है दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी, यह मस्जिद है और ये सब क्लास है। यहाँ का उतना नॉलेज अपने को है नहीं क्या क्या है। काफ़ी बड़ी जगह है, गार्डन भी है बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर। यहाँ पे सामने कुछ ऑफिस है और ये रूम है बच्चों के रहने के लिए, अच्छी जगह है। यहाँ पर आए थे कुछ काम से, वो काम हो गया है, अभी वापस मिलते हैं डाबेल में। ये यूनिवर्सिटी या मदरसे का बाहर का हिस्सा है, बहुत बड़ा है। और अभी ये कुछ स्टूडेंट्स की छुट्टी हुई है, तो जिसकी वजह से बाहर निकले हुए। ये यहाँ पर गेट का कंस्ट्रक्शन काम चालू है। और ये जो सामने देख रहे वो कैंटीन है, मतलब बच्चे लोग के खाने पीने का यहाँ पे मिल जाता है, कैंटीन है ये। ये यहाँ पर गेट का कंस्ट्रक्शन काम चालू है। और ये जो सामने देख रहे वो कैंटीन है, मतलब बच्चे लोग के खाने पीने का यहाँ पे मिल जाता है, कैंटीन है ये। आज का जो ट्रैवलिंग था वो ख़त्म हो रहा है और घर की तरफ जा रहे हैं। और आज वही पेट्रोल पंप पे डलवा रहे जो सुबह में जाते वक्त डलवाया था, फुल करवा दिया। अंदर अम्मी वगैरह बैठे हैं, अम्मी है, बहन है, तो वीडियो से उनको इतनी नफरत है, तो उनके सामने वीडियो में ऑन नहीं कर पा रहा हूँ।
तो आज का वीडियो मेरे ख्याल से तो अभी यहीं पे एंड करना होगा, देखते आगे जाके अगर कुछ बता कोई चीज़ बतानी। अभी हाँ, अभी खाना वगैरह वही जगह का खाना है जहाँ सुबह खाया था, आगे कोई चीज़ हो तो मैं बता दूँगा।